गाइस, मैं हूं नेहा एंड वेलकम टू माय सीरीज विच इज देसी ट्विस्ट विद तलोद। और हम बनाएंगे रवा इडली। रवा इडली का बैटर बनाने के लिए हम यूज करेंगे तलोद का रवा इडली मिक्स। बहुत ही आसान है, सिंपली पैक के पीछे लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। एक बोल में ये जो रवा इडली का मिक्स है इसे ट्रांसफर कर लें। इसमें अब हम डालेंगे पतला दही। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम इसे साइड पे रखेंगे 10 मिनट के लिए। सो 10 मिनट हो गए हैं और ये बैटर रेस्ट हो गया है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी स्टीमर को ऑन कर लिया है। एक चीज का ध्यान रखें, जब भी स्टीमर ऑन करें तो जो इडली की स्टीमिंग प्लेट है उसे इसमें ना रखें। इस मोल्ड को अच्छे से ग्रीस करना है ताकि इडली आसानी से निकल जाए। एंड नाउ ये जो हमने बैटर बनाया है इसको इसमें डालेंगे। 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि ये जो बैटर है काफी थिक हो गया है। वैसे इसे थोड़ा सा सुंदर बनाने के लिए हम यूज करेंगे काजू। हर एक स्लॉट में एक काजू रख लें। अगर आप चाहें तो इसमें वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं। इसमें डालेंगे ये इडली का बैटर। और अब हम इसे स्टीम करेंगे। हम इसे स्टीम करेंगे सिर्फ 10 से 12 मिनट के लिए। दस मिनट हो गए हैं, लेट्स चेक द रवा इडली एंड दिस लुक्स परफेक्ट। चलिए इसे निकाल लेते हैं। अब हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए ठंडा करेंगे और फिर अनमोल्ड कर लेंगे। अनमोल्ड करने के लिए आप यूज कर सकते हैं नाइफ या फिर चम्मच। एंड दिस लुक्स परफेक्ट। ये देखिए कितना सॉफ्ट है। एंड नाउ इट्स टाइम टू सर्व दिस। सो यहाँ पे मेरे पास है एक प्लेट जिसके ऊपर मैंने लगाया है केले का पत्ता। मेरे पास यहाँ पे कोकोनट चटनी और सांबर भी है। सो रवा इडली तो हो गया है तैयार। चलिए अब इसे एक ट्विस्ट देते हैं और बनाते हैं इडली चिली। मेरे पास यहाँ पे कुछ और इडली है जिससे हम बनाएंगे इडली चिली। ये वाली इडली पे मैंने काजू नहीं लगाया है। इडली चिली बनाने के लिए सबसे पहले इडली को कट करना है। हम इसे काटेंगे 4 पीसेस में। सो मैंने इडली को तो कट कर लिया। अब यहां पे एक फ्राई पैन में डालें थोड़ा सा ऑयल। सो तेल अब गर्म है। इसमें डालेंगे कटा हुआ लहसुन, थोड़ा अदरक, हरी मिर्च और लाल मिर्च। इसे हम 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे बेल पेपर्स। पहले हरी शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च और लाल शिमला मिर्च। इसमें डालना है बिल्कुल थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा सोया सॉस, विनेगर एंड थोड़ा सा शेजवान सॉस। बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाल लें। एंड फाइनली हम इसमें टॉस करेंगे रवा इडली। बस इसे सिर्फ 2 से 3 मिनट तक मिक्स कर लें। सो इडली चिली हो गया है रेडी। चलिए इसको प्लेट कर लेते हैं। इसकी खुशबू बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अगर आप चाहें तो आप इसे सॉसी भी बना सकते हैं। मुझे ड्राई इडली चिली पसंद है इसलिए मैंने इसे ड्राई बनाया। अब हम इसे गार्निश करेंगे विद सम स्प्रिंग अनियंस। और इडली चिली हो गया है तैयार। और ये बन गया बिल्कुल झटपट ओनली विद रवा इडली इंस्टेंट मिक्स फ्रॉम तलोद।